हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरे सिंह में। निफ्टी 50 ने एक नया है बनाया दोस्तों, और 12,461 सेंसेक्स 42,597 और निफ्टी बैंक 27,534। तो वीडियो में इसी की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, यस बैंक की भी बात करेंगे। यस बैंक भी ऊपर की तरफ गया है और 12.90 रुपये के आसपास लगभग 5% की तेजी में है। तो यस बैंक की कुछ चर्चा करेंगे, कुछ मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह से तेजी से जो दिवाली मनी है, तो काफ़ी निवेशक जो लोअर लेवल पे एक तरह से पेन लिया था जिन्होंने, उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। और इवन आप देखिए, पिछले 2-3 महीने से जो इस चैनल से बताने की कोशिश थी, तो जिन्होंने निवेश किया है तो उनको कम से कम 20-30% मिला है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि निफ्टी 50 ने नया हाई बनाया है, आगे क्या, आगे कितना ऊपर तक जा सकता है। तो डेफिनेटली जब भी इंडेक्स या स्टॉक हाई बनाता है दोस्तों, वहां से लगभग 10-15% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, कम से कम तो 5% तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। आने वाले समय में और भी तेजी की संभावना रहेगी, लेकिन उससे पहले एक हल्की गिरावट भी होगी दोस्तों। जिस तेजी से निफ्टी ऊपर की तरफ गया है, 12,461 तक गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे कि बड़ी एक दिवाली रही है, और जो कोविड के कारण बहुत सारे लोग निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, उसमें से शेयर मार्केट ने काफ़ी, जो शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, तो उनको एक तरह से लगभग 20-30% का रिटर्न दिया है। और ट्रेडिंग की बात अलग है, उसमें नुकसान और फ़ायदा होते रहता है, बट ये कि जिन्होंने निवेश किया था ब्लू चिप में, उसमें एक तरह से काफ़ी फ़ायदा रहा। देखिए रिलायंस देखिए 2069 पे है, और इंडसइंड बैंक देखिए 780 पे है। आपका अभी फ्राइडे को भी कुछ लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप ऊपर के लेवल पे ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस और थोड़ा सा आप इसमें स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से हम देखते हैं लगभग 5-10% तेजी में रहेगा तो करेक्ट भी होगा दोस्तों। और पिछले कुछ समय से देखिए लगभग जो गिरावट आई थी, तो वहाँ से तेजी से भागा है, तो हल्का फुल्का यहाँ पे गिरावट हो सकता है। एक तरह से अमेरिका में जो इलेक्शन थे वो क्लियर हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में रिलीफ पैकेज की बात होगी, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है दोस्तों। अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो एक तरह से हम देखते हैं तो डेली वाइज में ओवरबॉट की स्थिति में जा रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखना पड़ेगा कि 12,000 को ये सपोर्ट करता है नहीं करता है। वैसे एक तरह से साइकोलॉजिकल हो गया है 12,000, तो 12,000 को अगर ब्रेक करता है, वहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। जहाँ से भी निफ्टी अगर नीचे की तरफ आएगा, तो मान के चलिए वो लगभग 1,000 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है, तो उसमें क्या करना है कि जो बड़े शेयर्स हैं, ब्लू चिप हैं, उनको लेने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। अब मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर भागेंगे दोस्तों, जैसे कि यस बैंक की बात करते हैं। अब आगे शेयर ऊपर की तरफ आया 12.90 रुपये के आसपास। पिछले कुछ दिनों में ये हो रहा था कि अब ये गिर के लगभग 10 रुपये से नीचे की तरफ आएगा, और जो लगभग 32,000 करोड़ का जो NPAs है उसको सेल कर रहे हैं, तो एक तरह से वो पहले से डिक्लेयर किया है उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो अपना एक तरह से क्लियरिटी आ जाएगी। और जो अगर हम इसको देखते हैं पिछले कुछ 6 महीनों के अंदर देखते हैं, तो लगभग देखिए जो इसका कारोबार रहा, लगभग आप ऊपर के लेवल से जो फंड राइजिंग हुई थी, लगभग 26-27 रुपये से गिरकर 11-12 रुपये तक आया, तो एक तरह से ज़्यादा इस पर बढ़ोतरी नहीं हुई है, बट एक मूव जो आया था लगभग 17 रुपये तक गया था, तो वहाँ तक जाने की उम्मीद रहेगी। हो सकता है कि इसी तरह से 5% का मूव देने की कोशिश करें, तो उसमें फिर अपना देख सकते हैं। जिन्होंने 12 रुपये के आसपास लिया है, फिलहाल इसको लंबे समय के लिए जिन्होंने होल्ड किया है, तो इसमें बने रहना चाहिए। तो अगर हम चार्ट के अनुसार इसको देखते हैं, एक नज़र उसमें देखते हैं दोस्तों, ये येस बैंक का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल है, डेली वाइज के हिसाब से हैं, और देखिए एक तेजी आई है इसमें। आप पिछले 2-3 महीने से जो लेगहार्ड बना हुआ था, एक तरह से देखिए ये गिरा था लगभग 13-14 रुपीज़ तक गया था, वहाँ से फिर इसमें गिरावट आई, और अब ये ऊपर की बात 12.90 रुपये के आसपास है, तो डेफिनेटली एक जो ये गिरावट आई है यहाँ तक जाना चाहिए, 14 रुपीज़ तक जाना चाहिए। ये एक तरह से हम देखते हैं तो लगभग जो इसका तेजी थी फंड राइजिंग के बाद, लगभग 17 रुपीज़ का एक टारगेट होगा। निफ्टी 50 ने एक तरह से जो तेजी बनाई है, अगर आप यस बैंक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या निवेश कर रहे हैं, तो एक तरह से 5% का सर्किट वाला शेयर है ये, और अगर ये लगभग 15-20% बढ़ता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो लंबे समय के लिए झोली भर भर के लिए हुए,
एक दो क्वार्टर और इसमें रिजल्ट बढ़िया आएगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। जो 32,000 करोड़ का एनपीएस जो बेचना चाह रहे थे, ये एक तरह से उससे इनको क्लैरिटी आएगी और फिर वो एक तरह से इन्होंने पहले ही एनपीएस घोषित किया था, आपको ध्यान होगा लगभग 24,000 करोड़ का घोषित किया था अमाउंट या फंड मिलेगा, तो उसके अनुसार फिर स्टॉक या शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट ये है कि लगभग 2-3 क्वार्टर में ये अगर इंप्रूवमेंट होता है, डिपॉजिट बढ़ते हैं, इसमें लोन अगर ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा लगभग। अभी ये समझिए कि 12 रुपया इसका अभी वो काफ़ी टाइम रह गया, देखिए आप चार्ट में दिख रहा होगा ये काफ़ी समय से चल रहा है, तो 17 रुपीज के ऊपर अगर ये निकलता है, 17 रुपीज तक का एक टारगेट मान के चल सकते हैं, 17 रुपीज से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तब हम फिर ये 20 और 23 तक जाता हुआ देख सकते हैं। ये हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट बेटर आया तो डेफिनेटली ये यहाँ पे जाता हुआ देख सकता है और एक तेजी की संभावना, फिर जो ये गैप दिख रहा है आपको यहाँ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ 26 तक, बट ये समय लगेगा दोस्तों, ये नहीं कि आप, तो बहुत सारे लोग अभी हताश निराश हैं। और देखिए ये एक तरह से पेनी स्टॉक टाइप का हो गया है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है बैंक में, समय लगता है दोस्तों बढ़ने में, किसी चीज़ को समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता, ये ध्यान देने वाली बात है। और ये आप गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को कि कोई भी स्टॉक गिरता है तो समय बहुत लगेगा उसको बढ़ने में। देखिए जिन्होंने भी लिया है यस बैंक को, एक तरह से कितना पेशेंट है, कितना आप इसमें धैर्य रखते हैं, तो उसके अनुसार ये डेफिनेटली आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, बट समय लगा सकता है दोस्तों यस बैंक में, ऐसा लग रहा है क्योंकि एक तरह से SBI का सब्सिडरी बन गया है ये, और जो मैनेजमेंट है काफ़ी बेटर मैनेजमेंट है और काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, आने वाले दिनों में डेफिनेटली यस बैंक लगभग 6 से 1 साल में ऊपर की तरफ दिखेगा, और जो भी ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए, और जो अभी ले रखे हैं तो हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसे झोली भर भर के ले रखा है, वो चीज़ थोड़ा सा कम करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स या पुराने भी देख रहे हैं दोस्तों, जो भी अभी इन्वेस्टर देख रहे हैं, निवेशक देख रहे हैं, ट्रेडर देख रहे हैं, तो एक बात ध्यान गांठ बांध के चलिए कि उतना ही पैसा डालिए जो आपको रिस्क मिस आप झेल सकते हैं, और रिवॉर्ड ज़्यादा अगर ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा लगभग 6 महीना या 1 साल के बाद अगर बढ़ता है तो रिवॉर्ड बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। तो यस बैंक का दोस्तों ये वीडियो था, निफ्टी 50 स्पेशली एक नया हाई बनाया है, और बड़ी दिवाली रही है इस बार, और बहुत सारे निवेशक एक तरह से मालामाल हुए हैं जिन्होंने थोड़ा सा पेशेंट रखा है। और ट्रेडर के लिए तो दोस्तों हमेशा मार्केट रहता है, गिरता भी है तब भी मार्केट रहता है और बढ़ता है तब भी मार्केट रहता है, तो दोस्तों ये एक तरह से निफ्टी 50 नया हाई बनाया था, तो उसी उपलक्ष में ये वीडियो और यस बैंक का थोड़ा सा एनालिसिस था। बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे, तो इसमें होल्ड करना चाहिए, जो फंसे हुए हैं उनको भी अभी रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लगभग 17 रुपीज का एक टारगेट रखना चाहिए आने वाले दिनों में। तो इसी तरह से और वीडियो आप देख सकते हैं, ITPC का वीडियो है, SBI का है, LNTCR ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है, खास तौर से जो PSUs बैंक है उनमें जरूर नजर रखिए, आने वाले दिनों में तेज होते हुए देख सकते हैं। प्लस आप देख सकते हैं कि जो बैंक बड़े नहीं है, जैसे बंधन बैंक है उसका एक टारगेट बताया, आज भी वो 345 तक गया है। बहुत सारे लोग कमेंट के द्वारा पूछ रहे थे, स्टॉक नहीं बढ़े हैं, जो लेगार्ड बने हैं वो तेजी में आते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। तो दोस्तों ये एक पॉइंट था, और शेयर मार्केट और शेयर बाजार नया हाई है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।